एक मिनट माइक का है आपका? मैं गया नहीं पास है, वीडियो ले ले। थोड़ा यस ओके, ये अभी मिलते रहना, अभी मिलते रहते रहना। सत्यजीत आप यस और इतना लोगों में एक्साइटमेंट है, अलग तरह की मूवी है, आपके रोल को लेकर काफी लोगों में बस है, आप क्या कहोगे एक्साइटमेंट? I'm not able to construct my thoughts right now, but I'll tell you, this is a really special film. Cinema is a form of entertainment. ये लोगों को entertain करने के लिए बनती है movies, but there are certain films, certain stories that goes beyond entertainment. And मेरे ख्याल से, in my humble opinion, ऐ ज़िंदगी उस category में fall करती है. हमारी film it's not just celebrating organ donation or anything else around that. Yes, that's one of the main topic, but we are celebrating humanity. We are celebrating humanity in the best possible way. Just think about one thing, कि if आप अपने सौरों में हैं, आप अपने गम में हैं, आप किसी को लूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मेरे लॉस से किसी का फ़ायदा हो सकता है, यू नो, दैट्स वॉट ऑर्गन डोनेशन इज़ अबाउट. एंड इस साल की आई थिंक सबसे बड़ी फिल्म अभी तक की है ब्रह्मास्त्र, जहाँ पे हमने फैंटास्टिकल वे में, फैंटेसी वर्ल्ड में प्यार को सेलिब्रेट किया है. इन दिस फिल्म वी आर सेलिब्रेटिंग लव इन द मोस्ट ह्यूमन, इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म. एंड आई कांट वेट फॉर यू टू सी द फिल्म एंड टेल मी व्हाट यू थॉट अबाउट इट, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो दिस हैज़ बीन द मोस्ट ट्रोमैटिक इमोशनली एंड फिजिकली एक्सपीरियंस वाइल प्लेइंग दिस पार्ट, बिकॉज एक 26 साल के लड़की की कहानी है, जैसे पता चलता है कि उसे लिवर सिरोसिस है, वो 6 महीने में जाने वाला है, कैसे वो डिनाइल में है, फिर उसे एक्सेप्ट करता है, और कैसे लोग उसके इर्द गिर्द उसके नज़दीक आते हैं, उसे एक रे ऑफ होप देते हैं. जो रेवती मैम का कैरेक्टर है, शी ब्रिंग्स दिस ऑरा, दिस ब्यूटिफुल एनर्जी इन द फिल्म. एंड जैसी वो स्क्रीन पे है वैसी रियल लाइफ में, जस्ट हाउ डू आई पुट इट, आई रियलाइज लुकिंग एट हर एंड वर्किंग विथ हर कि ग्रेटनेस इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग बिग, इट्स अबाउट द ह्यूमिलिटी, इट्स अबाउट द ग्रेस, इट्स अबाउट बीइंग काइंड टू अदर पीपल, एंड दैट्स व्हाट शी इज बीइंग टू मी थ्रू आउट द फिल्म. जी जी जी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू. जब मैंने कहानी पढ़ी थी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी. इट्स अ स्टोरी जो आपको लगेगा किसी शेक्सपियर के नाटक से है, लेकिन ये सच में हुआ है. और वो जो लाइन कहते हैं ना कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो इस कहानी के लिए बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि ये रियलिटी ऐसी है जो आपको बैफिल कर देगी, आपको हमारे यहाँ कहते हैं हक्का बक्का कर देगी, आप हक्के बक्के रह जाएंगे, बिकॉज ऐसा नहीं होता है यार, लेकिन ऐसा हुआ है, रियल लाइफ में हुआ है. जब मैंने फिल्म साइन की, मेरे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था, और 1 महीने में मुझे जो हमारे डायरेक्टर हैं अनिर्बान बोस, उन्होंने यही कहा था कि सत्या तुम्हारा डील डॉल अच्छा लग रहा है, तुम अच्छे लग रहे हो. एक लिवर सिरोसिस का जो पेशेंट होता है ना, योर बॉडी स्टार्ट्स श्रिंकिंग, ये गाल आपके, ये आपकी कलाइयाँ जितनी होते हैं आपके आर्म्स हो जाते हैं. इट्स आई वॉज जस्ट विद इन 1 month's टाइम आई वॉज ऑलमोस्ट अ स्केलेटन, एंड देन यू सी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर, एक अलग पड़ाव देखते हैं आप उसका, जहाँ पे आप उसे और थोड़े अलग एज ग्रुप में देखते हैं. तो जैसे कोई बीथोवन की कोई संगीत होता है ना, जैसे वो उतार चढ़ाव होता है, उतनी खूबसूरती से इस कैरेक्टर का भी उतार चढ़ाव है. और मुझे नहीं लगता कि आई एम रियली लकी यार दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. ये तो सर मेरी पहली फिल्म आई थी 2011 में, ऑलवेज कभी कभी, जो प्रोड्यूस की गई थी शाहरुख खान सर के प्रोडक्शन के द्वारा, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट. अनफॉर्चुनेटली वो चली नहीं, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी सो फार. बट मैंने तभी एक चीज़ ठान ली थी कि एक अंग्रेजी की कहावत है, बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू. तो मैंने वो जो प्रण लिया था कि आई हैव टू बी रियली गुड एट व्हाट आई डू, तो जो भी काम मेरे पास आता है, मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है,
मैं अपनी जान डाल देता हूँ उसमें हर तरीके से, और वही मैंने इसमें भी किया. और दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो आउटिंग. दिस इज़ नॉट अ ऑनसॉम्बल कास्ट वेर देर आर टू मेनी पीपल शेयरिंग द बर्डन. इट्स माई फिल्म, इट्स रेवती मैम्स फिल्म, इट्स दीज टू न्यू कमर्स हु आर अराइविंग विद दीज फिल्म. फैंटास्टिक एक्टर सावन, यू नो मृणमयी हुज़ ऑपोजिट मी. मृणमयी इज़ अ रियली प्रोलिफिक नेम इन द मराठी फिल्म इंडस्ट्री. उनकी ये पहली हिंदी फिल्म है एंड बहुत प्यारी एक्टर है. तो ये मैंने, रेवती मैम ने, हम सब ने मिल के इसे संभाला है. आप जब फिल्म देखेंगे तो मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूँगा एंड आई एम श्योर कि अच्छी लगे आपको. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर, रियली मीन्स अ लॉट. जी जी बिल्कुल. नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. देखिए आनंद का जो टेक था ना, आनंद अपने समय के लिए बहुत सही फिल्म थी. आनंद अपने समय के लिए थोड़ी, उसमें एक आनंद के किरदार में एक फिल्मीनेस भी है. लेकिन हम ना, हमने बहुत रियलिस्टिक अप्रोच ली, बिकॉज जब आपके शरीर में इतने बदलाव आते हैं ना रोज़ के दौरान, कि आप 3 दिन बाद उठेंगे आपके यहाँ से पैच जा रहा है, आप 4 दिन बाद उठेंगे आपके हाथ कांप रहे हैं, आपकी आँखों में झुर्रियाँ नीचे पड़ रही हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपकी बात बात में आपकी नाक, तो ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, खूबसूरत गाना है लेकिन उसे इस स्टेज में गाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आप रियलिटी में देखेंगे कैसे एक व्यक्ति की शारीरिक डिक्लाइन होता है जो एक्चुअली में होता है. वी वॉन्टेड टू, बिकॉज मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मैं वो फिल्मी बीमारी नहीं दिखा सकता हूँ. ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जो आज हैं. ही इज़ गॉन थ्रू दैट, ही इज़ गॉन थ्रू एवरीथिंग एंड उनके इर्द गिर्द जो हुआ है वही जो मैं बता रहा था अभी आशीष भाई को, कि आपको लगेगा ये कोई शेक्सपियर का नाटक है बट ये सारी चीज़ें सही में हुई हैं सर. तो मेरा जो टेक था वो बहुत ही रियलिस्टिक था, लेकिन कहीं ये नहीं दिखाना था, मुझे आपकी सिंपथी गिमिक करके नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिंपथी स्टोरी और उस परफॉर्मेंस के थ्रू चाहिए, उसको जी के चाहिए, उसे एक्ट करके नहीं चाहिए. ये मेरी क्लैरिटी थी पहले से और वो क्लैरिटी मैं अपने हर काम में लेके चलता हूँ. कि जैसे इरफान साहब का काम, जैसे बलराज सानी, कई बार वो कुछ करते नहीं हैं स्क्रीन पर बट दे होल्ड यू बाय योर गट. सो दैट्स वॉट आई एम फॉर, कि विदाउट डूइंग मच कैन आई मूव माई ऑडियंस एंड दैट्स वॉट द कैरेक्टर रिक्वायर्ड एंड आई जस्ट वेंट इन फॉर इट. थैंक यू सो मच. शिखू एकत्र या एक तरह फोटो दो. वेट वेट स्टैंड कर. फोटो भी हो सर. हमें आपके लाइक चलो बैठ के ट्रेलर पाना था. चलिए मृणाल जी वन बाइट. चलिए अभी वन बाइट चलो. एक मृणाल जी यहां पर मैडम तुमचा एक सोलो फोटो घेऊन आणि ते बघा. मॅडम इथे थँक्यू थँक्यू बाय थँक्यू थँक्यू. सेंटर में सेंटर चलो. सबका हुआ भाई सबका हुआ. आराम से आराम से आराम से. ओके ओके आराम से आराम से आराम. चलिए वन बैठ करते हैं. सॉरी क्या करना चाहेंगे? मैं प्लीज़
देखिए ये ज़िंदगी, इट्स अ ब्यूटिफुल. मैंने ट्रेलर देखा है अभी, मैं फिल्म देखने आई हूँ अभी, देखूँगी. और बहुत सुंदर ट्रेलर है. और सत्यजीत मेरा खास बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको ये फिल्म करने का मौका मिला. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर. और हाउ टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. और यू नो, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट आई वुड जस्ट से इट्स अ गुड फिल्म. नॉट बिकॉज सत्या इज़ माई फ्रेंड, बट जेन्यूनली जब मैंने ट्रेलर देखा तो I was really curious to know as to what happens next. क्या खत्म हो सकते हैं जी? कैरेक्टर या जी 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 देखिए, मुझे तो आई वुड जस्ट से कि इट्स सो नाइस कि वी आर मेकिंग फिल्म्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं अभी भी इस वक्त, और उनके लिए उनको वो ज़िंदगी से उम्मीद हार बैठते हैं. तो शायद ऐसी फिल्में कहीं ना कहीं मोटिवेट्स यू और पुशेस यू टू बी जो भी बचे कुछ दिन हैं उसे खुल के जियो, बड़े लाइक यू नो, लिव इट टू द फुलेस्ट, मेक ईच डे ईच मोमेंट काउंट. तो या आनंद से हाँ, फिल्म फेयर साउथ पहली बार था, परफॉर्म फर्स्ट टाइम, एंड आई एम रियली हैप्पी यार, क्योंकि जो प्यार मुझे वहाँ बेंगलुरु में मिला वो इट वाज जस्ट इमेंस. एंड जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो द ऑडियंस वाज हूटिंग एंड यू नो चीयरिंग मी अप. और बहुत बहुत यादगार रहेगा क्योंकि मेरा पहला परफॉर्मेंस मेरी यू नो इन द साउथ, एंड बेंगलुरु में मैं काफ़ी सालों के बाद गई, सो आई रियली एंजॉयड इट. थैंक यू. अरे कंग्रेचुलेशंस सबको, अल्लू अर्जुन सर, एंड आई एम श्योर इट वॉज 100% गारंटीड दैट ही इज विनिंग इट, बिकॉज जो the impact the film created was khatarnak. Chal bye 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 zindagi to let's just wait it out. Come, let's go, let's everyone, thank you so much.